माँ से मजाक करता देख बेटे ने फूफा के सीने में दे मारा चाकू, फूफा की मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने आप को पुलिस को किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अब साले की 13वीं में शामिल होने आए 40 साल के विजय की उनके भतीजे ने चाकू घोप कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विजय अपने छोटे साले की बीवी से मजाक कर रहा था। साले का बेटा भी पास में बैठा हुआ था, वह नशे में था। उसकी माँ से मजाक करता देख उससे रहा नहीं गया, वहाँ पड़ा सब्जी काटने वाला चाकू उसने उठाकर अपने फूफा के सीने में घोप दिया और मौके से फरार हो गया। जब सुबह उसे पता चला उसके फूफा की मृत्यु हो गई तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वह खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और वारदात को अंजाम देने वाला हथियार भी पुलिस को सौंप दिया। वहीं आरोपी का कहना है कि उसे बहुत ही अफसोस है, उसका इरादा अपने फूफा का कत्ल करना नहीं था, अपनी माँ से मजाक करता देख और नशे में होने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना गुरुवार रात की है, आरोपी 19 साल का युवक है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि घर में इस तरह की वारदात हो गई। विजय शाहजहांपुर में रहते हैं। गुरुवार को वह पांडव नगर के कोटला गांव में अपने साले की 13वीं में शामिल होने आए थे। शाम के समय वह दूसरे साले के घर थे, उस दौरान अन्य रिश्तेदारों के साथ वह शराब पीने का सिलसिला शुरू हो गया और वह अपनी सरस से मजाक करने लगा। ये बात साले के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई और चाकू घोपने के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल अवस्था में विजय को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आपने जिसको मारा, क्या नाम था उसका? उनका नाम विजय। क्यों मारा उसको, क्या दुश्मनी थी? वो दुश्मनी कुछ नहीं थी सर, हम दोनों आपस में एंजॉय कर रहे थे। वो मम्मी को बहुत देर से उल्टा सीधा बोल रहा था। मैं बोला फूफा रहन दो रहन दो रहन दो, तो वो सलाद काट रहे थे, तो ऐसे करके मैंने नू मार दिया सर, पर पता नहीं थी मेरे फूफा का। तो आपको क्या लगते थे वो फूफा लगते थे? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ स्कूल में। कौन से स्कूल में काम? संगवारी स्कूल है गाजीपुर में। तो आपको अफसोस है इस बात का? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत पता भी नहीं थी, मुझे तो सुबह पता चली है। तो तुमने नशे में मार दिया? हाँ सर जी, वो ऐसे करके मारा था, पर मुझे पता नहीं थी मेरे फूफा खत्म, गलती से हो जाएगी। ठीक ठीक है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।